नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नेता इधर से उधर पाला बदल रहे हैं। जो कल तक पानी पी पी कर बीजेपी को कोस रहे थे, वो अब बीजेपी की गोदी में बैठने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर जहाँ कल तक बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने की बात कह रहे थे, वो आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। और सवाल पूछने पर राजभर कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, मतलब कुछ भी। खैर, बीजेपी राजभर को गले लगाती है या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस संकल्प भागीदारी मोर्चा की बात कल तक राजभर घूम घूम कर कह रहे थे, आज उस मोर्चे से संकल्प शब्द गायब नजर आ रहा है। खैर, राजभर बीजेपी के साथ आ पाते हैं या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राजभर दूसरे विपक्षी दलों के निशाने पर जरूर आ गए हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल कितनी करवट बदलेंगे, इस पर कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में आज बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की। करीब एक घंटे की इनकी मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले राजभर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के आवास पर एक घंटे तक रहे। भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से इतनी लंबी भेंट के बाद लखनऊ में खलबली मच गई है। दोनों के बीच लगभग एक घंटे तक वार्ता हुई, जिसके बाद राजभर ने मीडिया से कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजभर के इस बयान के बाद से राजनीतिक पंडित कयास लगाने में जुट गए हैं। हालांकि राजभर ने इसे महज औपचारिक भेंट बताया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह पहले पिछड़ों के नेता हैं, उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात निजी थी, लेकिन कुछ लोग अर्थ का अनर्थ लगाएंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ही भाजपा को निस्तनाबूद करेगी। खैर, ये मुलाकात चाहे औपचारिक हो या फिर राजनीतिक, जनता अच्छे से सारे राजनीतिक दलों के खेल समझ रही है। पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने वाले ओपी राजभर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ गलबहियां कर रहे हैं। ओवैसी से लेकर सारे विपक्षी दल ओपी राजभर की रणनीतियों को समझ रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी अब राजभर को कोसने में लग गई है। राजनीतिक दलों का मेन मकसद पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वोट हासिल करना है, बस इसी के चलते ये कसरत की जा रही है। तभी तो पिछले कई दिनों तक यूपी की राजनीति के दो सुर दुश्मन आज फ्रेंडशिप डे के बाद दोस्ती का गाना गाने में आतुर नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जनता सब जानती है। प्राइम टीवी के लिए अजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक उठापटक बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है। और आज एक ऐसी ही एक बड़ी घटना हुई जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर आज बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंचे। कहने को तो ये एक औपचारिक भेंट बताई जा रही है, लेकिन इस भेंट के पीछे कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। देखा गया कि राजभर लगातार बीजेपी को निशाने पर लेकर उसे निस्तनाबूद करने की बात कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी से जाकर उनका मिलना कहीं ना कहीं अब राजभर के इरादों में कुछ खोट देखने को मिल रही है। क्या राजभर इसमें अपना सियासी रंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो बीजेपी में किसी पद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दिलीप यशवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने का। तो सबसे पहले दिलीप यशवर्धन जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज ओपी राजभर की मीटिंग देखने को मिली है बीजेपी अध्यक्ष के साथ में, जिस तरीके से आज पूरी मीटिंग हुई है, औपचारिक भेंट कही जा रही है, लेकिन क्या कुछ इसके मायने निकाले जा रहे हैं? अनुष्का जी, राजनीति संभावनाओं की वो डगर है जहां पग पग पर नए नए आइडिया और नए नए आयाम निकल के आ जाते हैं,
और किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुभाषपा के जो ओपी राजभर साहब हैं, अगर आप उनकी मुलाकात का मायना देखेंगी तो मुलाकात के मायने सिवाय राजनीति की कुछ हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गठबंधन पहले भी था लेकिन किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से कह लीजिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी ना होने के कारण वो गठबंधन टूट गया था। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने ओपी राजभर के बदले किसी और को महत्व दे दिया था, तो राजभर साहब ने अपनी अलग पार्टी बना करके अपना अलग राग अलापना शुरू कर दिया था। और अभी थोड़े दिन पहले आप ही के चैनल पर उनके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम 2022 के चुनाव में भाजपा को प्रदेश से उखाड़ देंगे और हम अपनी नई सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और अभी 3 घंटे पहले जो अरुण राजभर, ओपी राजभर के सुपुत्र भी हैं, अपनी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारा भाजपा से गठबंधन किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ये जो मुलाकात है, ये एक औपचारिक मुलाकात है, ये प्रत्यक्षदर्शी है कि राजनीति में कोई भी मुलाकात औपचारिक नहीं होती है, स्पेशली तब जब आप 36 का आंकड़ा लेकर के बयानबाजी कर रहे हो, जहां आप उखाड़ने की बात कर रहे हो, जहां आप गिरा देने की बात कर रहे हो, जहां आप खत्म कर देने की बात कर रहे हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ जाकर के आप प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं और चाय पी करके आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, और आप इसको कहते हैं कि औपचारिक मुलाकात है, तो इस औपचारिक मुलाकात का इस समय पर कोई औचित्य नहीं है। इसका सीधा सा मायना है कि 2022 में कुछ ना कुछ गठबंधन हो रहा है, क्योंकि ओबीसी की कैटेगरी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी मेडिकल एजुकेशन में 27% का रिजर्वेशन भी दिया। राजभर समाज एक पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रभाव रखता है, ओपी राजभर वहां पर प्रभाव रखते हैं, तो उस क्षेत्र से अपने वोट को खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाहिर कुछ ना कुछ प्रलोभन राजभर साहब को जरूर दिया जा रहा है, और राजभर साहब के मन का प्रलोभन होगा तो वो जरूर हाथ मिलाएंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता जी। तो दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अरुण राजभर का ट्वीट सामने आया जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के साथ किसी भी तरीके का गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा, वहीं मीटिंग से निकलने के बाद ओपी राजभर का एक अनोखा बयान सामने आया जहां उनके दो पक्ष देखने को मिले। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को निस्तय नाबूद कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक सेंटेंस में यह भी क्लियर कर दिया कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कुछ भी से क्या मतलब है, कि क्या ओपी राजभर बीजेपी की तरफ उनका पक्ष जाता हुआ दिखाई दे रहा है? चला जाएगा। देखिए, पिछले गठबंधन में भी अलगाव का कारण यही था कि ओपी राजभर जिस पद को मांग रहे थे या जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में फुल मेजोरिटी में थी, तो राजभर साहब के चले जाने से भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 का चुनाव एक मुश्किल है, उतनी आसान राह नहीं है, और सारी की सारी अपोजिशन लामबंद हो चुकी है और उनका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराना है, तो जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो सब लामबंद हो रही हैं, तो उस लामबंदी के चलते भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये खतरा तो है कि सारी पार्टियां अगर लामबंद हो जाएंगी तो उनका वोट कटेगा और हर तबके का वोट कटेगा। ब्राह्मण नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण की नाराजगी की वजह से बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की घोषणा कर दी, और राजभर का अपना एक अलग प्रभाव है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो ये सारे लोग अगर मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी 2022 के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी लोग हैं, जो जो रणनीतिकार हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसलिए ये जो पुराने गठबंधन थे, अब इनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो सकता है, कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो सकता है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो सकता है, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां जो कभी इनके साथ हुआ करती थी, ये उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, और इनके वापस लाने से जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा जी। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है, ऐसे में ओपी राजभर का भी ये बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि उनकी कुछ 5 मांगे हैं जिन्हें अगर बीजेपी पूरा कर देती है तो बीजेपी का साथ देने को तैयार है, जिसमें उनकी जो मेन मांग है वो है कि किसी पिछड़े वर्ग के नेता, किसी पिछड़े वर्ग के चेहरे को बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। अगर वो किसी पिछड़े वर्ग पर भरोसा जताते हैं तो किसी चेहरे पर भरोसा जताएंगे तो उन पर हम भरोसा जता सकते हैं और हम उनकी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जिस तरीके से एक उभरता हुआ चेहरा निकलकर सामने आए हैं, 2022 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी राजभर की मांगों को पूरा करेंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अगर वो योगी जी का चेहरा छोड़कर किसी और के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि योगी जी की अच्छाइयों को, उनके अचीवमेंट्स को, उनकी गुणवत्ता को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस समय, प्रधानमंत्री जी ने बनारस में भी इतनी तारीफ करी और हर तरीके से उनकी तारीफ करी जा रही है, इतनी तारीफ के बावजूद अगर 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी जी नहीं रहेंगे तो ये जनता के प्रति एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और ये सवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर असर कर देगा। और अगर किसी सिचुएशन में आकर के भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाना पड़ेगा तो उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी मौर्या जी को। केशव मौर्या उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पिछले चुनाव में उनको कुछ वादे भी किए गए थे जो वादे नहीं पूरे किए, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी भी चल रही थी, लेकिन उनको मान मनोबल करके फिर से पार्टी की तरफ कर दिया गया है, उनका रुझान बढ़ गया है। तो अगर योगी जी को छोड़ करके किसी पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात आएगी तो वो मौका ओपी राजभर को तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये केशव मौर्या को ये मौका जरूर दिया जा सकता है, लेकिन जनता को इनको सवाल, जनता को इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जनता जरूर ये सवाल खड़े करेगी कि जिस व्यक्ति को हीरो बना करके आप सारी तारीफें बटोर रहे हैं उसको दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जी, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर को लेकर, जो जिस तरीके से ओपी राजभर भी चुनौती पेश करते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे, जहां एक तरफ बीजेपी का हम प्रचंड बहुमत देख पाए थे पिछली बार, ऐसे में जिस तरीके के जनाधार की ओपी राजभर बात करते हैं, तो क्या सच में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उन्हें सच में ओपी राजभर को अपना नेता मानते हैं, या फिर बीजेपी या माफ कीजिएगा, या फिर राजभर अपने आप को खुद ही नेता साबित कर रहे हैं? देखिए, किसी के बोलने पे कोई टैक्स तो लगता नहीं है। अगर भारत की सरकार किसी के बोलने पे टैक्स लगा दे तो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स, जीएसटी से ज्यादा टैक्स तो बयानबाजी पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हर आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जो कुएं का मेंढक है वो समुन्द्र को जीतने की बात करता है। ओपी राजभर की जो ये बयानबाजी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, ये मतलब कहीं से हजम होने वाली बात ही नहीं है। अकेला राजभर में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना तो छोड़ दीजिए, अपने एक छोटे से क्षेत्र के अलावा इसी उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने में उनका कोई जनाधार नहीं है। एक क्षेत्र है जहां पर राजभर समाज के लोग ज्यादा हैं और ओपी राजभर का चेहरा सिर्फ और सिर्फ वहां के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ सीटें वहां पर जरूर वो निकाल सकते हैं, उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं उनका कोई जनाधार नहीं है। और अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के जो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5 से 10%, 5% के अंदर ओपी राजभर की जो व्यक्तित्व है वो सिमट के रह जाएगा। तो ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देंगे तो ये बयानबाजी है, इस पे कोई टैक्स लगना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उनके साथ साथ या वो और जो अन्य पार्टियां हैं अपोजिशन की, अगर उनके साथ मिल जाएंगे तो हर आदमी थोड़ा 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 मिलकर के जरूर उखाड़ देगा। जैसे रामचंद्र जी का पुल बनाने के लिए एक एक बंदर ने एक एक पत्थर रखा था तो वो लंका तक पुल बन गया था, उस तरीके से अगर हर छोटी पार्टी, हर अपोजिशन की पार्टी अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन एक साथ मिल करके देगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत जरूर हो जाएगी, लेकिन पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। जी, तो वही देखने को आया था दिलीप यशवर्धन जी की 5 मांगे हैं जो राजभर जी की मुख्य तौर पर उन्होंने रखी हैं, जहां उन्होंने पिछड़े जाति को न्याय दिलाने की बात कही है, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कहते हैं, वही महिलाओं को आरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं, एक दलित चेहरे को सीएम बनाने की बात कहते हैं, वो शराबबंदी की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज वो बीजेपी से जाकर मिल रहे हैं उससे तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो एक पद तलाश रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये सच में अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर वो एक पद की तलाश में जुटे हुए इस वक्त? देखिए, कोई न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता है, कोई नेता न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता है, कि ओपी राजभर हो चाहे कोई भी हो, वो अपने हित की लड़ाई लड़ते हैं, अपने जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लड़ाई लड़ते हैं। समाज से उनको कोई मतलब ही नहीं, ना तो अपने राजभर समाज से उनको मतलब है और बाकी को तो छोड़ ही दीजिए। और जो जातियों की बात करें और जातियों में देश को बांटे, आरक्षण की बात करें, वो कैसे समाज का भला करेगा? और महिलाओं के प्रति अगर वो आरक्षण की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ महिलाओं को प्रति सुरक्षित कर लीजिए, पहले महिलाओं को न्याय दिला दीजिए, महिलाओं को शिक्षित कर लीजिए, आरक्षित करने की क्या जरूरत है? अगर आप महिलाओं को शिक्षित कर देंगे तो महिला अपने आप में सशक्त हो जाएगी। महिला कोई कमजोर नहीं है, उसको शिक्षा की जरूरत है, उसको सुरक्षा की जरूरत है, उसके प्रति जो कानून बने उन कानूनों में कंप्लायंस को स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। आपके खाली मांग देने से जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, अगर इन राजनीतिक बयानबाजियों के कोई बहुत मायने होते हैं, इनका कोई बहुत मतलब निकल के आता, तो आजादी के बाद से अब तक
सारी महिलाएं सशक्त हो गई होती, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होता, इस देश में कोई गरीब नहीं होता, इस देश में कोई भूखा नहीं सोता, इस देश में कोई अशिक्षित नहीं रहता, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा होता, और पिछड़ी जाति का हर व्यक्ति अब तक डेवलपमेंट से ऊपर निकल चुका होता। लेकिन ना ऐसा कभी हुआ है और ना ऐसा कभी होगा। ये जो लोग जातिगत राजनीति करते हैं, इनमें से चंद लोगों का फायदा होता है, वो जो उस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन प्रतिनिधित्व करने वाले में चंद लोगों का व्यक्तिगत और राजनीतिक फायदा होता है, किसी समाज का फायदा नहीं होता है। अगर राज्यभर मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो क्या अपने समाज के हर व्यक्ति को ऊपर उठा ले जाएंगे? ऐसा संभव ही नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है कि आप इस देश या प्रदेश में जब तक डेवलपमेंट एज ए होल नहीं करेंगे, जब तक आप सर्व समाज की नजर में रख करके डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप एक पर्टिकुलर समाज की बात करेंगे तो आप उनको क्या देंगे, रोजगार कैसे दे देंगे? क्या आप ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे जहां कहेंगे कि सिर्फ राजभर समाज के लोग काम करेंगे, या आप सरकार का कोई ऐसा डिपार्टमेंट खोल देंगे जहां कहेंगे कि सिर्फ राजभर समाज के लोगों को ही यहां पर नियुक्तियां दी जाएंगी? ये संभव नहीं है। ये कानूनी रूप से भी संभव नहीं है, सामाजिक रूप से भी संभव नहीं है। तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको डेवलपमेंट तब हो सकता है जब आप पूरे समाज की एक साथ ले चलने की बात करेंगे। जी, तो जिस तरीके से आप डेवलपमेंट की दिलीप यशवर्धन बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि बीजेपी अपने कामों को लेकर बहुत बखान कर रही है। जिस तरीके से बीते दिनों अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, उनके विकास के कार्यों के बारे में जानकारी दी, वहीं पीएम मोदी ने भी सीएम योगी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश इस वक्त चल रहा है उसकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। ऐसे में वो अपना पक्ष लेकर सामने आ चुके हैं, वो अपने आप को सशक्त दिखा रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ने में इस वक्त काबिल हैं और हम आगामी चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को इस वक्त हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो गठबंधन को तलाशने में जुटी हुई है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, जहां वो अपने आप को ताकतवर साबित कर रही है, वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वो गठबंधन की तलाश में लगी है। तो क्या लगता है कि आगामी दिनों में बीजेपी इस प्रकार का कोई गठबंधन कर सकती है? नहीं, इसको देखिए, बीजेपी एनडीए अलायंस तो है ही, गठबंधन तो वो पहले से ही है, बीजेपी उसकी सबसे बड़ी पार्टी है उस अलायंस की, और राजभर उस अलायंस के पार्ट पहले भी रहे हैं। तो ये नया गठबंधन तलाशना नहीं होगा, रूठे हुओं को मनाना होगा कि जो अपने परिवार के लोग रूठ करके चले गए थे किसी कारण की वजह से, वो फिर जब त्यौहार आता है तो रिश्तेदारों को मनाया जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों का त्यौहार वो हमेशा इलेक्शन ही होता है, और इलेक्शन के समय जो वोट बैंक को प्रभावित करता है वो उनके असली रिश्तेदार हो जाते हैं, उसको वो मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो जीजा का सम्मान दे करके, फूफा का सम्मान दे करके उनको पूरा मान मनोबल करके घर वापस ले आते हैं, और जैसे ही शादी निपटती है फिर कहते हैं तुम घर जाओ, हमारा काम हो गया। तो ये राजभर जी के साथ पहले भी हो चुका है, ये राजभर के साथ फिर भी होगा। देखिए, जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं है, जो थाली का लोट, जो जो पेंदी का बिन पेंदी का लोटा है, जो अपने फायदे के लिए इधर भी लुढ़कता है उधर भी लुढ़कता है, तो जो भी व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, आज अगर उनकी मांगों को मानेगी तो वो राजभर के लिए नहीं मानेगी, वो अपने फायदे के लिए मानेगी। और अपना फायदा जब पूरा हो जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी फिर मेजोरिटी में आएगी, तो ओपी राजभर साहब क्या कर लेंगे जीतने के बाद? कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर नाराज होकर चले जाएंगे, फिर 5 साल गाल बजाते रहेंगे, और 5 साल के बाद फिर ऐसा ही मौका तलाशेंगे। तो ये राजभर जी का दावा जो है, वो दावा सिर्फ इसलिए है, या जो बड़बोलापन है वो सिर्फ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं मान मनोबल करके उनको कुछ व्यक्तिगत लाभ दे दे। वो व्यक्तिगत लाभ उनको मिल जाएगा तो ना उनकी पार्टी कहीं सामने आएगी, ना उनका समाज कहीं सामने आएगा, ना उनके कहे हुए बातें सामने आएंगी, फिर वो तारीफों के पुल बांधना शुरू करेंगे। फिर वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, नड्डा साहब से अच्छा कोई अध्यक्ष नहीं है, स्वतंत्र देव से अच्छा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, फिर वो सबके तारीफों के पुल बांधना शुरू करेंगे। अनुष्का जी, मेरा ये कहना होता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अगर उनको अपने अच्छे किए हुए काम पर इतना भरोसा होता है तो वो क्यों फिर राजनीति में जाकर के ये जातिगत गठबंधन शुरू कर देते हैं, जातिगत रणनीति क्यों शुरू कर देते हैं, लोगों को मनाना क्यों शुरू कर देते हैं? आपने काम किया है, जनता को वोट करना है, और अगर आपने जनता को मद्देनजर रख के काम किया है तो जनता आपके काम पे वोट दे देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने सबके लिए तो काम किया नहीं होता, कुछ व्यक्तिगत कुछ चंद लोगों को फायदा होता है तो वो चंद लोगों से सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने के लिए आपको पूरी मेजोरिटी चाहिए, लेकिन आप काम कभी भी मेजोरिटी के लिए नहीं करते हैं। इसलिए जब इलेक्शन आता है तो आपको सबके दरवाजे झांकने पड़ते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये फायदेमंद है, इनको भी मना लिया जाए, इनको भी मना लिया जाए, और ये सारी सुध इलेक्शन के टाइम पर ही ली जाती है।
यहां पर क्या होता है कि जनता ठगी जाती है, और जनता को यह समझने की बात है कि राजनीतिक पार्टियां जो समीकरण बैठालती हैं वो जनता के लिए बैठालती हैं या अपने फायदे के लिए बैठालती हैं। जी तो दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से अभी आपने बात करी उसमें मैं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी रूठों को मनाने में कामयाब हो जाती है, अगर राजभर उनके पाले में जाने को तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को राजभर से क्या फायदा होगा और ओपी राजभर को बीजेपी से क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, बीजेपी से ही राजभर साहब को फायदा हो सकता है, अन्य पार्टियों से तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर गठबंधन की सरकार बनेगी, जो जो मिक्स सरकार चलेगी, तो पहली बात तो मुख्यमंत्री बढ़ने की होड़ लगेगी। अगर मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी समाजवादी पार्टी की बात आएगी तो अखिलेश जी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बहुजन समाज पार्टी की बात आएगी तो मायावती किसी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठना पसंद ही नहीं कर सकती हैं। और राजभर साहब का राजनीति में अभी इतना स्टेक नहीं है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्लेम भी कर पाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के थोड़े से एरिया में राजभर समाज की बाहुल्यता है जहां पर इनका प्रभाव है, लेकिन इनका अकेला प्रभाव नहीं है। ऐसे भी राजभर समाज के लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले सम्मान देकर के विधानसभा में बैठाला है, तो जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है वो भी तो राजभर समाज को अट्रैक्ट करेंगे ना। अगर ये कहेंगे, ओपी राजभर जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभर समाज को नजरअंदाज किया है, तो जिनको फायदा दिया वो ये कहेंगे कि राजभर साहब झूठ बोल रहे हैं, देखो मैं भी राजभर हूं, मुझे तो विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठा ला गया था, और जब ओपी राजभर जी नाराज होकर चले गए थे तब बैठा ला गया था। तो 100% समाज कभी भी किसी की तरफ नहीं जाता है, और ये एकदम तय है कि मैं अगर किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मुझे फायदा मिल रहा है तो अपने समाज के चंद लोगों को मैं समझा ले जाऊंगा, और उसमें से गिने चिने लोगों को मेरे साथ फायदा होगा, बाकी समाज सिर्फ भावनाओं में बहता है और उसको कहीं कोई फायदा नहीं होता ना कोई काम होता है। जी तो दिलीप यशवर्धन जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में चुनाव नजदीक आ चुके हैं, वहीं अब चुनाव में जिस तरीके से दांवपेच लगाए जा रहे हैं, अब वो विकास के मुद्दों से उठकर जातियों तक पहुंच चुके हैं, धर्म तक पहुंच चुके हैं, जहां एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, वहीं राजभर भी राजभर समुदाय का राग अलाप रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो आगामी 2022 का चुनाव है वो विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर ये एक बार फिर से जाति वाला चुनाव बन के रह जाएगा? ऑन द रिकॉर्ड तो हमेशा विकास के मुद्दों पे ही चुनाव होता है। आपने किस इलेक्शन में देखा कि जाति के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ये तो बिहाइंड द कर्टन बात होती है, बिहाइंड द कर्टन हमेशा रही है। 1951 से लेकर के 2021 तक वही स्टोरी चली है, 2022 में भी वही स्टोरी रिपीट होगी। जाति यहाँ की राजनीति की रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी में कभी L5 खिसक जाता है, कभी L4 खिसक जाता है, तो पार्टी थोड़ी सी डगमगा जाती है, फिर वो योगा करती है, उस L4-5 को ठीक कर लेती है, फिर उस रीढ़ की हड्डी में मजबूती आ जाती है। तो ये वही समय है, L4-L5 खिसकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उसको सही जगह पे फिट करके 22 के चुनाव मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहां पर दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक, जो हमें बता रहे थे कि राजभर किस तरीके से आज बीजेपी के साथ उनकी बैठक देखने को मिली है, ऐसे में बीजेपी और राजभर को कितना फायदा हो सकता है एक दूसरे से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल बेहद तेज हो चुकी है, जहां बीते दिनों तक राजभर जिस प्रकार से बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे थे, निस्तनाबूद करने की बात कह रहे थे, अपनी पार्टी के कह सकते हैं कि मोर्चा संकल्प जो शब्द था अब वो गायब हो गया है, अब संकल्प शब्द की जगह वो बीजेपी का राग अलापने को नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने संकेत भी दे दिए है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो संभव है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि विपक्षी दल भी अब लगातार निशाने पर राजभर को ले रहे हैं, लगातार उन्हें कोसने का काम कर रहे हैं, ऐसे में आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में किस पार्टी को जीत मिल पाती है और जनता किस पार्टी पर विश्वास दर्ज करा पाती है। तो ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देश के हर कोने की खबर और खबर का हर एक सच देखने के लिए बने रहिए अपने पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी पर। अब आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी को एमएक्स प्लेयर, जियो टीवी के साथ पेटीएम पर भी देख सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और